इसलिए मैं कहता हूं पूरे देश को डंके की चोट पर रिसीवर का गुणगान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिसीवर एक पल के लिए भी अपने लिए नहीं जिए। इसलिए मैंने पहली बात तो ये सबसे बड़ी चीज, बहुत कुछ दिया रिसीवर दयानंद ने, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमको जो दी है वो है पाखंड का विरोध कर वेद की वैज्ञानिकता को सिद्ध किया। वेद वैज्ञानिक है, वेद साइंटिफिक है, वेद ईश्वर की वाणी है, वेद परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, और परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी दुख देने वाला बोलो नहीं हो सकता है। परमपिता परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता है, ये ऋषि पर दयानंद ने सिद्ध किया। ऐसे पाखंड का विरोध किया और पाखंड से हमको बाहर निकाला। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ऋषि पर दयानंद ने की है, जिसके कारण मैं नतमस्तक हो जाता हूं किसी के सामने, वो क्या है कि संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया और उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले ग्रंथों का बहिष्कार किया। आप जानते हैं कितने महापुरुषों पर लांछन लगा, महापुरुषों को सम्मान बढ़ाने का काम ऋषि पर दयानंद ने किया। आज दयानंद की 200वीं जयंती पर मैं चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों से कहना चाहता हूं कि समाज के अंदर जितने भी महापुरुष हैं उनके जीवन चरित्र को ऋषि पर दयानंद ने पढ़ा, और जिस जिस महापुरुष के जीवन चरित्र को लोगों ने कलंकित करने का काम किया है उसी महापुरुष के जीवन चरित्र को ऋषि पर दयानंद ने सुधार कर ठीक रूप में परिमार्जित रूप में दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। अपने महापुरुषों के प्रति एक शब्द नहीं सुनना चाहते थे। अगर महापुरुषों के प्रति किसी ने लांछन लगाया तुरंत उसका निराकरण किया है, अपने महापुरुषों का सम्मान बढ़ाया। अरे कौन जानता था, मैं पूछना चाहता हूं 1875 से पहले इस देश के अंदर ऐसा दौर चला था कि भारतीय संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, हमारी संस्कृति को तोड़ने का काम किया है। कौन जानता था महर्षि पतंजलि को, कणाद को, जैमिनी को, बादरायण को, अरे कौन जानता था महर्षि वेदव्यास को। आप पढ़कर के देखिए, ये सब तब से जानना प्रारंभ हुआ है जब से ऋषिवर दयानंद ने जनाया है। सच्चे अर्थों में हमको परिमार्जित ज्ञान दिया, अपने महापुरुषों के सम्मान को बढ़ाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया। जाने किस प्रकार के छेपक जोड़ने शुरू कर दिए। और तीसरा सबसे बड़ा काम जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो है वेदों को जन जन तक पहुंचाना। जरा नोट करना हो, जाकर के लोगों को बताने का प्रयत्न करना। पहला काम, दूसरा काम, तीसरे काम तक मैं पहुंच गया। और मैंने आपको बताया कि वेदों को जन जन तक पहुंचाया। वेद तो बपोती बन गई थी लोगों की। कुछ लोग, थोड़े से लोग समझते थे कि केवल हम पढ़ सकते हैं, और जाने कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें, अपने घर की बनाई हुई बातें। और कौन सी घर की बातें? एक घर की बात तो लोगों ने यह बना दी कि स्त्री शूद्रो न दीयता, के स्त्रियों को सूत्रों को वेद पढ़ने का अधिकार। बोलो, ये घर की बनाई हुई बात थी। ऋषिवर दयानंद ने कहा दिखाओ मुझे कहां लिखी हुई है। बगले झांकने लगे सब। जब ऋषिवर दयानंद ने कहा कि तुम कहते हो कि ये वेद की सूक्ति है, वेद का वाक्य स्त्री सूत्रों ने दिया नाम, तो मुझे दिखाओ कौन से वेद में लिखा हुआ है। किसी को ये प्रमाण कहीं वेद के अंदर नजर नहीं आया, इसलिए ये उक्ति तो बिल्कुल झूठी निकली कि स्त्रियों को सूत्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे स्त्रियों को अगर वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होता तो वेद के अंदर मंत्र क्यों आता, यथे माम वाचम कल्याणी मदानीम जनेभ्य। सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये डंके की चोट पर यदि किसी ने कहा है तो कौन है बोलो? महर्षि दयानंद सरस्वती। वेद को जन 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 तक पहुंचाने का काम किया है। आप जानते हो ऋषिवर दयानंद ने जब देखा कि वेद तो बड़े छिपक जुड़े गए, वेदों के अंदर तो बहुत सारी ऐसी बातें, अलग अलग बातें वेदों के अंदर जोड़ दी है, तो ऋषिवर दयानंद ने परिमार्जित रूप की एक प्रति मंगाई। कहां से बोलो, कहां से मंगाई ऋषिवर दयानंद ने परिमार्जित वेद की एक प्रति? जर्मनी से मंगाई। जर्मनी से वो प्रति मंगा करके देखा कि क्या वेदों के अंदर ऐसे छेपक जोड़े गए हैं, और ठीक रूप से पाया ऋषिवर दयानंद ने, तब जाकर के हमको सच्चा वेद का ज्ञान परिमार्जित रूप में हमको दिया। जन जन तक वेद को पहुंचाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है। और सबसे बड़ा उपकार जो मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा उपकार ऋषिवर दयानंद का है लोगों, और वो उपकार क्या है कि हमको सत्य प्रकाश रूपी ग्रंथ दिया। सबसे बड़ा उपकार ऋषिवर दयानंद का सत्य प्रकाश। यदि सत्य प्रकाश ऋषिवर दयानंद ने देते तो हिंदुओं तुम्हारी दुर्दशा ऐसे ही होती।
स्वामी दयानंद से पहले कोई नहीं जानता था, कोई हिंदू नहीं जानता था स्वामी दयानंद से पहले कि जो विधर्मियों के मत मतांतर है उन मत मतांतरों में हिंदुओं के प्रति उनके ग्रंथों में कैसी भावनाएं भरी हुई है, बताओ। ये सत्यार्थ प्रकाश से पहले कोई जानता था? किसने बताया? इस्लामिक मत की समीक्षा किसने की है? ईसाइयत की समीक्षा किसने की है? इतनी दूरदर्शिता किसने दिखाई है कि ईसाई मिशन दिया किस तरीके से समाज में कैसे धर्मांतरण किया कर रही थी, किस तरीके से? ये दृष्टि किसकी गई? ऋषिवर दयानंद की गई है। और तब जाकर के तुमने जीने का सलीका सिखाया और उस सलीके को सीखने का एक ग्रंथ दिया आपको, जिसका नाम क्या है? गुरु सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ देकर के ऋषिवर दयानंद ने ऐसा आजी ग्रंथ, अरे हिंदुओं तुम्हारा सम्मान बढ़ गया उस दिन जिस दिन सत्यार्थ प्रकाश तुम्हारे हाथ में आ गया है, ऐसी कुंजी तुम्हारे हाथ में आ गई है जिस चाबी से हर ताला खोला जा सकता है, और वो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ ऋषिवर दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलवाया। शुद्धि आंदोलन चला करके घटती हुई आबादी को बढ़ाने का काम ऋषिवर दयानंद ने किया है, और जाने कितने सारे शिष्य उस शुद्धि आंदोलन की बलिवेदी पर आहूत हो गए, कितनों की शुद्धि करवाई है, कितने विधर्मी बन गए थे जो दूसरे ईसाइयत में चले गए थे, इस्लामिक बनते जा रहे थे लोग, ऐसे लोगों को वापसी कराने का काम ऋषिवर दयानंद ने शुरू किया है। और उन्होंने कहा कि वैदिक धर्म सर्वोत्तम, निराकार ईश्वर सर्वोत्तम, वैदिक धर्म वैदिक व्यवस्था पर अपना जीवन लाइएगा, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, कल्याण तुम्हारा हो जाएगा। किस प्रकार से वापसी कराने का काम हजारों हजारों लाखों की संख्या में शुरू किया गया, और इस क्रम को आगे बढ़ाया स्वामी सदानंद ने, इसी क्रम को आगे बढ़ाया है मां से राजपाल ने, इसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम किया है पंडित लेखराम ने, कितने शास्त्रार्थ किए। इसलिए जो शुद्धि आंदोलन का कार्यक्रम चलाया, और केवल इतना ही नहीं, बंधु